तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जब केदारनाथ की स्थापना की थी उसी टाइम इसकी भी स्थापना की थी। देखिए तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं ये है नाग महादेव का, पांडवों ने ही इसका निर्माण करवाया ऐसा कहा जाता है। तो नाग, और देखो दोस्तों इतना प्यारा यहाँ पे नेचर है ना, ये देखिए तो पूरे पहाड़ों के बीच से हम आ रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा अगर पांव फिसल गया दोस्तों तो देख लो मेरी जंगली फ्रूट, ये देखिए इस तरह से होता है ये, इसको खा नेचुरल सोर्सेज होता है पानी का गाँव में इस तरह। 1200 साल तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग, आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं आया हूँ अपने होम टाउन में, यानी कि अपने प्यारे से छोटे से होम टाउन में, जो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी प्यारी पहाड़ियों के बीच में बसा है। जैसे मैं आपको ठीक पीछे दिखा रहा हूँ, इतनी प्यारी प्यारी पहाड़ियों के बीच ये शहर बसा हुआ है। और देखिए पीछे एक बारात की बस भी जा रही है, ये देखिए बारात की बस जा रही है क्योंकि शादियों का वेडिंग का सीज़न है। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मैं अपने होम टाउन में और इसी सीरीज में जा रहा हूँ अपने बहुत ही पौराणिक शिवजी के मंदिर शिवालय को देखने, जो कि समय आदिगुरु शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया था, जैसे कि केदारनाथ में स्थापित किया गया था, तो उसी कला के अनुसार ये मंदिर भी बनाया गया है। इसको कहते हैं नाग महादेव का मंदिर। इस गांव का नाम नाग है और इस महादेव नाग महादेव के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा है नाग, और इस मंदिर को भी कहते हैं नाग महादेव। तो आइए मैं दिखाता हूँ उस मंदिर के बारे में, कुछ आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे वो मंदिर है, कैसे वो केदारनाथ से बिल्कुल मिलता जुलता है और कैसे कैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने उसकी स्थापना यहाँ पे की थी। तो चलिए अब मैं ले जाता हूँ आपको उस गाँव में। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं ये है नाग महादेव का मुख्य द्वार, आप देख सकते हैं ओम नागेश्वर महादेव नागचौंड। हाँ, नॉर्मली से नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो कॉमन रीजनल जो भाषा होती है उसमें इसको नाग महादेव के नाम से जाना जाता है। और चलिए आइए पहले इनको हम जरा घंटी बजा देते हैं भगवान की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से पहाड़ों में रास्ते होते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है उधर मंदिर, अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है साफ साफ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। और देखो दोस्तों इतना प्यारा यहाँ पे नेचर है ना, ये देखिए तो पूरे पहाड़ों के बीच से हम आ रहे हैं, देखो कितना सुंदर व्यू है ना, बहुत खूबसूरत। और देखिए ये रास्ता है, थोड़ा रास्ता मैं टफ तो नहीं कह सकता, पक्का रास्ता है बट बहुत स्लोप वाला है, तो ज़रा यहाँ पर संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा अगर पांव फिसल गया दोस्तों तो देख लो नीचे कितना स्लोप वाला है, खाई तो नहीं कह सकता लेकिन काफ़ी स्लोप वाला है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके यार। फ्रेंड लगभग मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था 8 से 10 साल बाद यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और रास्ता बहुत ही ज़रा उठपटांग सा है, लेकिन बहुत मन था यार आने का यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे आया नहीं था, तो ये था कि मंदिर तो आना ही आना है। और मतलब अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि जब हम बचपन में यहाँ पे जब भी सोमवार का व्रत होता था या फिर जब वो होता है ना अगस्त सावन का महीने जब होता है, तो नॉर्मली क्योंकि इस मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं भगवान भोले का आशीर्वाद लेने। लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया, मैं दिखाता हूँ। देखो दोस्तों पहले ये ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सब कच्चे से मकान होते थे, क्योंकि गाँव में ना पठार वाले मकान होते हैं, मैं भी आपको दिखाऊँगा किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कि पठार वाले मकान आखिर होते कैसे हैं। तो ये पूरे इस टाइम कच्चे मकान थे, धीरे धीरे लोगों ने जो है पक्के मकान बना दिए हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे है, ये है किनगोड़ कहते हैं इसको, किनगोड़ कहाँ पे देखा जरा, ये गढ़वाली फ्रूट है, गढ़वाली जंगली फ्रूट, ये देखिए इस तरह से होता है ये, इसको खाया जाता है, मीठा होता है खाने में, एक दिन ये देखो फ्रेंड इस तरह से फ्रूट होता है, ये देखो इस तरह से फ्रूट होता है, इसको खाते हैं, खट्टा मीठा होता है, बहुत खाते हैं बचपन में, बहुत खाया बचपन में, तो गांव के बच्चे बहुत खाते हैं, इसलिए गांव के बच्चे ना मतलब बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पौष्टिकता बहुत भरी होती है, कि जंगली चीज़ें खाते रहते हैं ना, जंगली फ्रूट विटामिन उनको मिलता रहता है, मिनरल्स वगैरह, तो ये बहुत अच्छी वजह है, क्योंकि गाँव के बच्चे की इम्यूनिटी बहुत पावर बहुत अच्छी होती है ना। पठार वाले मकान कैसे होते हैं, तो ये देखो ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये इसको पठार कहते थे इस तरह, क्योंकि पुराने जमाने में लेंटर तो होता नहीं था, उसे पठार डाल के लोग मकान आते थे। अब जैसे मकान है यहाँ पे खंडर हो रखा है देखो इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए सब देख रहे हैं, ये है नागेश्वर महादेव का मंदिर, यानी कि नाग महादेव भगवान का मंदिर, और तो अब बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत डेवलप, पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो नीचे अब देख रहे हैं ये रेलिंग लग गई है, नीचे फर्श पड़ गया है,
पहले खाली ये इतना ही हुआ करता था इस तरह से। और मैं जो आपको बताया था कि संरचना इसको केदारनाथ की तरह आपको दिखेगी संरचना इसकी, ये देखिए। तो आइए चलते हैं मुख्य द्वार की तरफ। और भाई लोगों बहुत चेंजेस आ गए यार, बहुत चेंज आ गई। इधर सब मकान कच्चे थे, सब मकान पक्के हो गए। अच्छा लग रहा है मुझे आके यहाँ पे। ये देखिए, ये नागेश्वर महादेव। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये केदारनाथ की तर्ज पर ये मंदिर बनाया गया है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने ये मंदिर बनाया है। और ये जो मंदिर बनाई नागर शैली की, उस पर बनाया गया है। आप देखिए, आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको इस तरह से डोम मिलेगा, ऊपर से बना हुआ सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। अभी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊँगा, फिलहाल मैं जा रहा हूँ जल लेने। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम आए हैं नागेश्वर महादेव में शिव जी के पास, तो अब जा रहे हैं जल चढ़ाने। और गांव में एक प्रक्रिया होती है ना, जल जो होता है मंदिर में नहीं मिलता, थोड़ा दूर गांव के धारे में जाना पड़ता है, क्योंकि गांव का ट्रेडिशनल एक वाटरफॉल कह सकते हैं इसको। तो वहां से शुद्ध जल लेके बाबा पे चढ़ाएंगे। और क्योंकि बहुत साल बाद में दोबारा ये प्रक्रिया कर रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और काफ़ी चलते हैं, मैं आपको बताऊँगा धारा होता क्या है, आपको बताऊँगा धारा होता क्या है, किस तरह से जल निकलता है, कैसे हम जल निकाल के शिव जी पे चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो रास्ता। ये देखिए, दूर पहाड़ियाँ, वादियाँ, मंदिर, और इधर से हम जा रहे हैं जल लेने की तरफ। और हाथ पे ले लिया हमने जरा सा लोटा। तो ये चलते हैं, दिखा दूँ आपको धारा होता क्या है, ठीक है। ये हम इसी रास्ते पे अग्रसर हैं, जा रहे हैं। ये देखिए, ये है, अब आ गए हम धारे पे। ये देखिए, इस तरह से जल निकाला जाता है धारे से। तो दोस्तों, इसको कहते हैं धारा, जो कि नेचुरल सोर्सेज होता है पानी का गांव में। इस तरह से, इतना से बहुत अच्छा पत्थर की कलाकारी पे करी गई। देखो, ये देखो इस तरह से, और इस तरह से जल भरा जाता है, और बहुत ही शुद्ध जल ये है। और ये जो जल आ रहा है ना, ये वहाँ से आ रहा है, कहाँ से, पेड़ों की जड़ों से। बहुत प्यारा, बहुत शुद्ध, बहुत मिनरल से भरपूर होता है, तो इसे कहते हैं धारा। तो फ्रेंड, जैसे अभी मैं हूँ धारे पे, और यहाँ से मैं जल लेके भगवान पे चढ़ाऊंगा। तो बहुत सालों बाद ये प्रक्रिया दोबारा से मैं कर रहा हूँ। अब मैं जल भरता हूँ और जाता हूँ भगवान के महादेव पे जल चढ़ाऊंगा। चलते हैं भगवान के मंदिर में, और ये हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, ये है भगवान महादेव का मंदिर, बहुत ही पौराणिक स्थल से बना मंदिर। ये देखिए, बहुत इस तरह से प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, आप कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में, कुछ पुराना मंदिर है शंकराचार्य का, शंकराचार्य जी ने बनाया। अच्छा, बताते हैं ना, आपने भी तो सुना ही है। जी जी जी, कितना लगभग आप लगा लो शंकराचार्य 5वीं-6वीं सदी का होगा। हाँ, 1200-1400 साल तो हुई है जी, जब केदारनाथ की स्थापना उन्होंने ही करी। बरोबर बरोबर, साथ ही के हैं, केदारनाथ हो गया, ये हो गया, तुंगनाथ हो गया। अच्छा अच्छा, पंडित जी बोलते हैं स्वयंभू मंदिर है कि खुदाई में निकला था, ऐसा है? तो लोग कुछ भी बोले ना, पुरानी बातें, इतने साल हो गए, कई मंदिरों को अभी खोदो तो निकलते हैं, कई कुछ है। मतलब ये तो, अब ये तो ऐसा तो है नहीं, खुदाई में निकला होगा यहाँ पे। जी जी जी, ये तो निर्मित है ना, यहाँ तक पांडवों ने, कोई जाकर क्या पता पांडवों ने बहुत मंदिर बनाए ना। हाँ जी, नहीं बनाए, बहुत बनाए अपना
गोत्र हत्या के लिए वो घूमते रहे बेचारे जहाँ था यहाँ भी वो सामने जो है पांडवों के धनुष बाण है ना रखे हुए। अच्छा वो भी रुके होंगे यहाँ से भी तो कहाँ पर छोटा सिरे बड़ा था वहाँ पत्थर से पहले। अच्छा वहाँ पे है पांडवों के धनुष बाण है उनके वो सिंबलाइज करा होगा ना। हाँ बाद में लोगों ने पांडव नृत्य होता होगा जब। अच्छा अब कहाँ होता है पहले तो पांडव नृत्य होते थे ना इधर बताते लोग। जी 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 धीरे धीरे तो सब वही है डिजिटल काम। हाँ जी पंडित जी यही के हैं कहाँ के हैं आप? हरिद्वार के हैं आप। सही बात पंडित जी। ये नहीं की यहाँ तुमने पैसा दिया डोनेशन हमने वो कहीं और लगा दिया कहीं और लगा दिया पैसा यही लगेगा यही लगेगा। तो आप मुख्य पुजारी हैं पंडित यहाँ के पंडित जी यहाँ के? अरे मुख्य क्या तुम भी पूजा करो तो बात क्या है तो शिव शिव का तो सभी पुजारी है मंदिर का महंत होते हैं ना रहते हैं यहाँ पे तो देख रेख तो करनी पड़ती है आप ही करते हैं। तो फ्रेंड जैसे पंडित जी ने बताया कि पांडवों ने ही इसका निर्माण करवाया ऐसा कहा जाता है तो नागर शैली में इसका शायद इसका निर्माण किया गया आप देख सकते हैं। और आदिगुरु शंकराचार्य ने जब केदारनाथ की स्थापना की थी उसी टाइम इसकी भी स्थापना की थी बिल्कुल उसी तरह आपको मंदिर मिलेगा क्योंकि जो मंदिर इस तरह के शेप के बने होते हैं ना ऊपर से डोम टाइप की ऐसी छतरी टाइप की तो ये जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने इनकी स्थापना की ये उनकी विशेषता है। बहुत ही अभी बात बताऊँ आपको इस मंदिर को बनाने में कोई भी सीमेंट या रेत का काम नहीं है खाली ये जो है इस तरह से बनाया गया पत्थरों से इतना मजबूत कोई भी भूकंप आ जाए कुछ भी आ जाए इनका कुछ नहीं होता भाई कुछ नहीं होता इनका। ये देखिए और देखो इस तरह से ना खंडर हो गए पूरे के पूरे गाँव घर। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि किस तरह से स्थान में नागेश्वर महादेव को एक्सप्लोर किया जो कि पांडव के टाइम से मंदिर की स्थापना की गई है और कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने भी इसकी स्थापना इसका जो मंदिर बनाया है यहाँ पे है ना। तो मुझे बहुत असीम शांति और दवा भोलेनाथ की नगरी में जब आओ मंदिर में जब आओ तो असीम शांति तो प्राप्त होती होती है। तो मैं विश करूँगा भोले बाबा से नागेश्वर महादेव मंदिर से कि मेरे सारे सब्सक्राइबर सारे व्यूअर्स को अपना आशीष प्रदान करें उनको हमेशा हंसी खुशी रखें। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग ये नागेश्वर महादेव वाला ब्लॉग अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मैं पहाड़ी भाई यानी कि राजगौर गरला भाई को जरूर जरूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय माता की जय देवभूमि और